नहीं है, सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, बस एंजॉय करो, पढ़ो और आगे बढ़ो, यही हम सोचते हैं। कॉलेज भले ही आपको एंजॉय करने के लिए एक बहुत सारे लोगों ने सलाह दी होगी, लेकिन वो दिन, वो लाइफ ही कुछ अलग होती है जिसके लिए कोई शब्द नहीं बना आज तक। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से सबका आपके अपने चैनल के ऊपर जो कि अमित डोन व्लॉग। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो बहुत हटके है और इंटरेस्टिंग है, अगर आप सुनोगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सो आज का हमारा टॉपिक है, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉग बहुत अच्छे अच्छे मैंने प्रिपेयर किए, बहुत सारी मेहनत की, तो आपको आई होप कि अंडरस्टैंड हुए होंगे और बहुत ही पसंद आपने किए होंगे जो भी ब्लॉग मैंने 2 से 3 बहुत अच्छी जगह पर शूट किए थे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है जो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग, मैंने पहले ही बोल दिया कि स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और दोनों में से कौन सी लाइफ अच्छी होती है, कौन सा एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़े से पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, लेकिन हमारा जो वीडियो है, पॉइंट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए होंगे, पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको इन फ्यूचर देखने को मिल जाएगी, चाहे वो ब्लॉग क्यों ना हो। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो शुरू करें। जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ। स्कूल का नाम सुनते ही, कॉलेज का नाम सुनते ही हर किसी के माइंड में अलग अलग फीलिंग आ जाती है, हर किसी को एक क्या है कि मन में बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है, बहुत सारी खुशी होती है। सो दोनों में से अगर वोटिंग लिया जाए, अगर आपका व्यू लिया जाए तो कौन सी लाइफ अच्छी होती है, तो हर कोई यही बोलेगा कि स्कूल की लाइफ हमें बहुत अच्छी लगती है, स्कूल की लाइफ ही हमें बहुत अच्छी लगेंगे कि स्कूल लाइफ के अंदर ऐसी बातें होती है जिसके लिए हमें कोई रोक टोक नहीं होती, हमें जो मर्जी चाहे मन के अंदर हम चलो फोर्सफुली भी कर सकते हैं, ज़िद भी कर सकते हैं पेरेंट्स के अंदर। और कॉलेज लाइफ में क्या है कि वो चीज़ होती नहीं है, लेकिन है उसके अंदर सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा स्कूल लाइफ के अंदर और कॉलेज लाइफ के अंदर जो कि है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों स्कूल लाइफ के अंदर क्या है कि हर कोई स्कूल लाइफ को एंजॉय करता है, हर कोई उसे याद करता है, उसे एक प्रकार से क्या है कि मिस करता है, उसे बहुत सारी यादें जुड़ी हमारी होती है। स्कूल लाइफ के अंदर क्या है कि जिम्मेदारी का एहसास हमें नहीं होता, हमें स्कूल के हर एक स्टडी जो भी बुक मटेरियल होता है, चाहे स्कूल के बारे में जो भी मटेरियल्स होता है, खाने का है, कपड़े का है, बैग का है, एंजॉय का है, पैसे खर्च करने का है, अलग अलग चीज़ें जो आपको बनाते हैं स्कूल के अंदर, एंजॉय करते हैं घर के अंदर, ये सारी चीज़ों के लिए कोई रोक टोक नहीं होता, ना तो आपके पास कोई जिम्मेदारी होती है, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी घर वाले देते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि स्कूल लाइफ है, इनको एंजॉय करने दो, पढ़ने दो। ठीक है, तो जो मन की बात है वो हम वही करते हैं जो भी हमें चाहिए, और स्कूल के अंदर जो है टीचर से, हमारे फ्रेंड है, क्लासमेट है, फ्रेंड्स है, हमारी बहुत सारी बातें हैं जो उनके साथ हम शेयर करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, बस एंजॉय करो, पढ़ो और आगे बढ़ो, यही हम सोचते हैं। लेकिन कॉलेज लाइफ में जिम्मेदारियाँ होती हैं, जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो आप बड़े होते हो, समझदार होते हो, आपको हर एक चीज़ का ज्ञान होती है कि नहीं अभी ये बड़ा हो गया, खुद की चीज़ें खुद समझने लगा है, अगर कुछ ज़रूरत होते कुछ खुद हमें पूछने से पहले भी कंप्लीट कर दे, तो एक जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। और आपको भी कुछ समझना चाहिए कि आप इतने बड़े हो गए, कॉलेज में गए, तो कुछ चीज़ें जो आप खुद ही कर सकते हो, किसी को बोलने की ज़रूरत ना पड़े, तो ये होती है एक जिम्मेदारी जो स्कूल लाइफ में नहीं होती लेकिन कॉलेज लाइफ में होती है। ये हमारा जिम्मेदारी वाला पॉइंट हो गया क्लियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सेकेंड वन हमारा जो पॉइंट होता है, जो होता है आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट। स्कूल लाइफ के अंदर आपको कोई चीज़ का टर्निंग पॉइंट फिलहाल डिसाइड करने की जो चीज़ें होती है ये पेरेंट्स ही करते हैं, आपके माइंड में इतनी तो अभी फिलहाल जो इंक्रीजिंग है, जो आपका ग्रो नहीं होता कि आप खुद की लाइफ के बारे में सोच सकें, क्योंकि स्कूल लाइफ क्या है कि बस आना है, स्टडी करना है, एंजॉय करना है, प्रैक्टिकल करने है, टीचर के साथ, दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, बस मस्ती करनी है, धमाल करनी है, खुशियाँ करनी है, यही आप सोचते रहते हैं, क्योंकि उस बात पे कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता, बस आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, नॉलेज अच्छी तरह से स्टडी करनी है, ये बातें सिर्फ स्कूल लाइफ के अंदर ही होती है, वहाँ पे टर्निंग पॉइंट नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टडी नहीं करोगे, स्कूल लाइफ इज़ द लाइफ, आपकी लाइफ का वो एक बेसिक चीज़ है, आपका एक फंडा है कि वो आपको क्लियर करना है, अंडरस्टैंड करना है। लेकिन कॉलेज लाइफ में ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि कॉलेज में आप जैसे कहोगे आपकी जो स्कूल की लाइफ है, स्कूल की शिक्षा है कंप्लीट करके आप कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको खुद सोच के आप किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट लेना है, किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है, ये मुझे करोगे तो मैं लाइफ में कुछ अचीव कर सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ, ये एक आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है जो आपको कॉलेज लाइफ में करना होता है, डिसाइड करना होता है,
स्टडी और मेहनत के साथ। तो कॉलेज भले ही आपको एंजॉय करने के लिए एक बहुत सारे लोगों ने सलाह दी होगी, लेकिन एंजॉय नहीं, आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट होता है जिसे आपको हैंडल करके आगे बढ़ना होता है। ये होता है हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट, जो स्कूल लाइफ में नहीं लेकिन कॉलेज लाइफ में होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के अकॉर्डिंग। सो सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर होगा टर्निंग पॉइंट। थर्ड है लास्ट वन जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा, अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों अंडरस्टैंडिंग ऐसा एक फीचर है ना इंसान का, ह्यूमन लाइफ का, कि हर किसी के अंदर अगर अच्छी तरह से हो ना तो आपकी लाइफ दूसरों के सामने और खुद की नज़र में एक रिस्पेक्टफुल हो जाएगी। क्योंकि स्कूल लाइफ के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग सिर्फ स्टडी करना है, ठीक है, लाइफ की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी फैमिली के, आपके जो पेरेंट्स हैं उनके रिलेटेड है, कि आपको उनको अंडरस्टैंड तो करना ही है। स्कूल लाइफ में होते तो इतना सीरियस नहीं लेते उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, कि नहीं आज मुझे ये करना ही है, इनको यही करना है, इनको यही देना है, इनको ये बातें करनी है, ये डिसाइड करना है, ये सारी चीज़ें आप सीरियस नहीं लेने देते, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इतनी आपके पास होती नहीं जितनी होनी चाहिए। इसलिए आप आपकी जो स्कूल लाइफ का मज़ा है बहुत अच्छी तरह से लेते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आपको स्कूल लाइफ के अंदर कोई सीरियस नहीं है, आपकी इच्छा है तो आप लो, लेकिन करना ज़रूरी है, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है वो कॉलेज लाइफ के अंदर बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास नहीं होगी तो आप कॉलेज में किस तरह से बिहेव करना है, किसी के साथ जो भी प्रोफेसर होंगे, जो भी एटमॉस्फेयर होगा उसके साथ आपको मिलके रहना है। तो अंडरस्टैंडिंग से ही आप सब आपके जो फ्रेंड है, जो आपके प्रोफेसर है, जो आपका वहाँ का एटमॉस्फेयर है, सबके साथ अंडरस्टैंडिंग से रहोगे, बातें करोगे, एक फ्रेंडली नेचर रखोगे, तो तभी आपको कॉलेज लाइफ का एंजॉय आएगा, तभी आपको समझ में आएगी, हर चीज़ पॉसिबल हो। तो यही मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपकी लाइफ के अंदर स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ कि दोनों अच्छी तरह से, दोनों भी मैं लाइक करता हूँ, दोनों में इंटरेस्ट है। आप जिस तरह से जिस चीज़ को हैंडल करोगे ना लाइफ के अंदर, वो वही आपके साथ एक फील होगी, वही आपके साथ महसूस होगी। इसलिए स्कूल लाइफ भी और कॉलेज लाइफ भी, लेकिन दोनों में से तो स्कूल लाइफ ही अच्छा है, कोई टेंशन नहीं, बस आराम से एंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो, यही सब सोचते हैं। स्कूल लाइफ इज़ द बेटर लाइफ, कॉलेज लाइफ भी है जो हमारे लाइफ को एक टर्निंग देता है, हमारे लाइफ को एक अचीवमेंट देता है, इसलिए कॉलेज लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी फोकस करना है, और स्कूल के ऊपर भी हमें उस लाइफ पे भी फोकस करना है जिससे हमें नॉलेज अचीव मिलता है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो आपको स्कूल लाइफ में नहीं होते लेकिन कॉलेज लाइफ में होते, स्पेशली गर्ल्स पॉइंट है जो आपके साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, कि कौन सी लाइफ अच्छी है, हर किसी की सोच अलग है, लेकिन बेस्ट तो बेस्ट स्कूल लाइफ ही है। बस ऑलवेज एवरी पीपल ऑफ द वर्ल्ड मिसिंग द स्कूल लाइफ चाइल्डहुड ऑफ हिज लाइफ। हर कोई अपना बचपन, हर कोई अपने स्कूल के दिन मिस करता है आजकल, ठीक है, वो लाइफ टाइम करता रहेगा, कि वो दुनिया, वो दिन, वो लाइफ ही कुछ अलग होती है जिसके लिए कोई शब्द नहीं बना आज तक, ठीक है दोस्तों। तो यही फीलिंग थी स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो भी तीन पॉइंट मैंने बताए वो अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ शेयर कर देना आपके दोस्त फ्रेंड के साथ, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत सारा मोटिवेट देता है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी सोच के साथ, अच्छे ब्लॉग के साथ या अच्छी रियलिटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और बी हैप्पी ऑलवेज।